आदर्श नगर थाना अंतर्गत गांव बड़गांव में रेल की पटरियों के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक धर्मेंद्र भाट बड़गांव का ही रहने वाला था और खलासी का काम करता था। बड़गांव में उस समय मातम पसर गया जब रात को घर से गायब युवक का शव उसके घर के पास ही रेल पटरी के किनारे मिला। मृतक धर्मेंद्र सोमवार रात से ही लापता था जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। आज सुबह रेल की पटरियों पर शव मिलने पर परिजनों ने पहचाना और आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी। इंद्राम के लड़के का फोन आया था बड़े वाले का, मेरे छोटे भाई को मार के पटक दिया। मैं मौके पर आया था, इंद्राम की औरत और एक लड़का खड़ा था, कोई बच्चा नहीं था। मेरे आने के बाद ये मोहल्ले वाले से इकट्ठे हुए कि साहब रात को कोई ये दो तीन लड़के शराब पी के लड़ रहे थे और इन्होंने मेरे बच्चे को मार के पटक दिया। मृतक के भाई महेंद्र का कहना है कि सोमवार रात उसके भाई धर्मेंद्र से उसके दोस्त विक्की, राजा और दीपक आपस में झगड़ रहे थे। उसके बाद से धर्मेंद्र लापता हो गया जिसको रात भर तलाशा लेकिन सुबह उसका शव ही मिला। महेंद्र ने धर्मेंद्र की हत्या का शक जाहिर किया है। 10:30-11 बीच में घर के यहाँ बाहर ये लोग झगड़ा कर रहे थे मेरे भाई के साथ में। ये विक्की, राजा और ये नदीम, ये तीनों की आवाज मुझे घर के बाहर सुनाई आ रही थी। मैं घर से बाहर मैंने चिल्ला के आवाज दी कौन है, तो किसी ने बताया नहीं कि कोई नहीं। फिर चुपचाप हो गए ये लोग, बहुत भयंकर भयंकर झगड़ा कर रहे थे। अब ये इन लोगों ने मर्डर कर दिया मेरे भाई के साथ, क्या किया मुझे ये पता नहीं सर। किसके ऊपर शक है? मुझे इन तीनों पे, सब पे शक है। बस जो भी है नाम सामने आ जाएंगे जो भी है। 10:30-11 के बीच में ये झगड़ा कर रहे थे ये लोग। साथ हो नदीम, साथ हो और वो अब कीड़ो, अरे एक वो सूरज में खादी भंडार में कई नाम सदीक, वो 4,000 उधार लिया, 4,000 मारा बेटा ने उधार लिया। नदी में शाम कर दियो बत्ती कर रही, जनक 10,000-1,000 रुपये मांगू थारा भाई में, मारा बेटा ने कह रही महेंद्र मुँह दियो बत्ती करती। बोली भी कौन, मैंने कहा मालूम वो आतो तो जवाब करती। रोज हजार छोरा ने दारू पापार बटीन बर्बाद करे, रोज दारू पापार वो छोर टेंशन को मारियो, को दुखा का आप तो बुरी तो मारियो आराम जाए। हत्या की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को भी बुलाकर जांच की गई। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाने पे इतला मिली थी कि एक रेलवे पटरियों के पास में डेड बॉडी मिली है। मौके पर आके देखा तो एक धर्मेंद्र भाट है जिसके बाप का नाम इंदाराम है, जो यहाँ बड़गांव में इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसकी जांच चल रही है। अभी घर वाले ने अभी रिपोर्ट नहीं दी, जैसी रिपोर्ट देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वैसे डेड बॉडी भी ग्रीस के निशान वगैरह मिले तो ट्रेन की चपेट में आने से भी मृत्यु हो सकती है, और कोई दूसरी भी बात है तो उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन में निकल जाएगा। अब परिजनों से अभी पूरी बात नहीं हुई है, वो जैसी रिपोर्ट देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। FSL की टीम आई है, उन्होंने भी अपनी जांच की है। पुष्कर में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की लाश उसके कथित प्रेमिका के घर में मिली। 33 वर्षीय मृतक युवक गांव डांग का रहने वाला भागचंद है, जिसके अवैध प्रेम संबंध पिछले लंबे समय से संतोषी माता मंदिर में रहने वाली प्रेमिका संतोष देवी से चल रहे थे। भागचंद अत्याधिक शराब पीने का भी आदि था, लिहाजा पुष्कर पुलिस प्रथम दृष्टया मौत का कारण अत्याधिक शराब का सेवन भी मान रही है। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने भागचंद की प्रेमिका संतोष देवी को हिरासत में ले लिया है। एक महीना पहले मतलब ये रेण की तरफ बांस लेने के लिए किया था, उसके बाद में वापस मतलब आया ही नहीं, और इस यहाँ पे संतोषी माता की डाणी में यहाँ पे रहता था ये संतोष देवी, उसके पास रहता था। एक महीना से ऐसे ही लापता चल रहा। आज तो उसने सुबह पहले फोन किया उसने कि यहाँ पे ये हिल रहा ही नहीं है। किस तरह के संबंध थे संतोष देवी के उनके? इनके संबंध तो घर के जैसे ही थे, पति पत्नी के, पति पत्नी की तरह थे। क्या आपको उन पर भी कोई आशंका है कि वो कुछ कर सकती है? अब वो बता रही है कि हरचंद ने छोड़ के गया घर पे सुबह तीन बजे ये बता रही है। और दोस्त थे वो, साथ रहते थे। देखिए करीबन 7:30-8 बजे की बात है, ये गांव वाले इकट्ठे होकर के आए कि साहब इस प्रकार से भागचंद है ना, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर संतोष माता की डाणी में संतोष के घर और मृत्यु हो गई है, और जिसको हम लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ इसके परिवार के काफी लोग थे और संतोष के बारे में भी जानकारी करी। संतोष के इसके संबंध जो घरेलू थे
और इसने संतोष ने बताया कि भाई हरचंद इसको सुबह छोड़ के गया था करीबन 3 बजे, और जांच जारी है। जैसा भी जांच में जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा हरचंद से और इन औरतों से सभी बात को पूछताछ कर मेडिकल रिपोर्ट सभी को देखते हुए जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि किसी ने अपराध किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तथ्यात्मक जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। सुबह इसके भागचंद सनोप नग्गा रावत ये है, इसके घर वालों ने हमको बताया था भाई ये मृतक मिला था संतोष बाइफो बमरलाल रावत के घर में। इसके क्या है 10-15 साल से इसके अवैध संबंध है और 4 साल से इस लेडीज का पति मर गया है तो मोस्टली इसके घर ही रहता था। तो इसका प्रथम दृष्टया इसका अधिक शराब के सेवन से मृत्यु होना प्रतीत होता है और जांच हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के बाद पता चलेगा। महिला द्वारा ये जानकारी दी गई है कि भाई लगातार 4 दिन से ये शराब पी रहा था और सुबह मैंने इसको चाय के लिए उठाया तो ये उठा नहीं और मेरे को पता लगा कि मर गया है, फिर इसने सूचना दी।